खबर लबाना गांव से। आमिर इलाके में आज रामदेवरा बाबा की शोभा यात्रा निकाली गई। प्राचीन काल का यह मंदिर लोगों की आस्था और मनोकामना के लिए काफी अहम स्थान है। गाजे बाजे के साथ आज यहां शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों ने शामिल होकर इस जुलूस की शोभा बढ़ाई। शोभा यात्रा में राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा रानी जी और भास्कर के चीफ एडिटर महेश शर्मा भी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। सतीश शर्मा ने हमसे बात करते हुए बताया कि ये मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है, जो यहाँ के लोगों में बड़ी आस्था का केंद्र है, जहाँ लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ धागा बांधते हैं और अपनी कामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ बाबा रामदेवरा जी के हर साल शोभा यात्रा निकाली जाती है। आज का यहाँ का प्रोग्राम, आज का हमारा बाबा रामदेव की मूर्ति स्थापना का प्रोग्राम था। ये ग्राम लबाना आमेर तहसील में आता है, दिल्ली रोड पे है। प्राचीन काल से मंदिर है, लोगों की सबकी मन्नत पूरी होती है। जो भी यात्री पूरे इंडिया से यहाँ पर यात्री आते हैं, उन सबकी मन्नत पूरी होती है। और आज हमारे बाबा रामदेव की मूर्ति की स्थापना की गई है। बहुत संख्या में, बहुत सारे लोग, हजारों लोगों की तादाद में गाजे बाजे से यहाँ जुलूस निकाला गया है। जो भी यहाँ सबकी मान्यता पूरी होती है, कोई भी धागा बांधता, संडे के दिन रविवार को यहाँ पे बाबा की गद्दी लगती है। और इसमें जो है हमारे जिनमें पाँचों पीर जो आते हैं, श्री जगदीश जी बारोली हमारे साथ में है, और हमारे सोनी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रेखा सोनी जी हमारे साथ में है, हमारे भास्कर के चीफ एडिटर श्री महेश शर्मा जी हमारे साथ में है। और ये भव्य प्रोग्राम का आयोजन आप सब लोगों के उससे ही पूरा हुआ है, और आगे भी जो है ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं। तो आगे भविष्य में किस तरह का प्रोग्राम होते रहेंगे, मतलब स्थापना दिवस किस तरह मनाया जा रहा है? स्थापना दिवस तो वार्षिक उत्सव हर साल मनाया जाएगा, उसमें सभी अतिथि लोग जो है उनका सम्मान है, और जो भी रविवार को यहाँ गद्दी पाते हैं उनका सबका सम्मान किया जाता है और सबकी मन्नत पूरी होती है। कितने साल से ये करीब लगभग 40 साल से बाबा के यहाँ गद्दी लगती है हर रविवार को। आपका नाम?